रीवा जिले में जिस कंक्रीट निर्माण को विकास बताया जाता है वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कितना उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ताजा मामला चोरहटा रतहरा मॉडल सड़क पर बने रेलवे मोड़ के पास फ्लाईओवर का है, जहां 6 माह पहले ही शुरू हुए फ्लाईओवर का लोहा कंक्रीट चिल्लाने लगी है और आए दिन घटनाएं घटित हो रही है। फ्लाईओवर की सेटरिंग टूट रही है, छड़ निकल कर बाहर आ गए हैं, जो दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर कई घटनाएं घटित होते देखी गई है। उक्त फ्लाईओवर से रीवा सतना और रेलवे स्टेशन जाने वालों की भीड़ लगती है। वहीं इस तरह का घटिया निर्माण विकास की पोल खोल कर रख दिया है। उक्त निर्माण कार्यों का जायजा स्वयं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और यहाँ के अधिकारी समय समय पर लेते रहते हैं। जब इनके निगरानी में इस तरह का घटिया निर्माण हो तो फिर विपक्षियों का आरोप जायज ही माना जाएगा। आप भी देखिए किस तरह से करोड़ों की लागत से बने फ्लाईओवर की दुर्दशा है और क्या कहना है यहाँ से गुजरने वालों का। मैं फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ, ये जो फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन के ऊपर है। अभी कब बना है ये? अभी अभी मुझको 6 महीना हुआ होगा। जी 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 ये विकास पुरुष का अपना खुद का विकास और देश का पैसे लूटने के लिए अपना मकान बना है 1-4 का मसाला, ये फ्लाईओवर बना है 1-28 का मसाला, कर्मचारी इन्हीं के, इन्हीं का ठेकेदार, इन्हीं का सब कुछ। और ये कहना पड़ेगा कि विकास पुरुष के इस प्रकार के नियोजन, इसको देखिए, इस फ्लाईओवर की फिनिशिंग को देखिए, इसको देखने के बाद जानकारी हो, ये यहाँ पर तो है ही है, ये मुश्किल से जो है जिस प्रकार ऐसा है पूरे रीवा जिले के अंदर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें राजेंद्र शुक्ला का खूब भरपूर कमीशन है और सर माननी चाहिए राजेंद्र शुक्ला विधायक रीवा को, इस प्रकार के निर्माण कार्य उनके क्षेत्र पर हो रहे हैं। कितना जानलेवा है ये? बहुत जानलेवा है। कल एक लड़का गिर गया था, अभी जानकारी मिली मेरे को भी, आप यहाँ पर पहुँचे, आपने मुझे जानकारी होनी, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ इसी बताने के लिए कि रीवा की जनता जान ले कि जब जब सोने के चम्मच पैदा हुए लेकर पैदा हुए लोग राजनीति में, ठेकेदार, सफेदपोश व्यक्ति जब आता है तो ऐसे ही जो है सीमेंट और बालू और जो है ये सरिया लीलने का काम करता है और देश को जो धोखा देता है। 20 साल बनी जी, अब ये फ्लाईओवर बना, अब इसके ऊपर ये चालू हो गया राड निकालना, तार खींचना बनना चालू होगा क्या? ये क्या, कैसे पैसा कमाया जाए? इनका काम सिर्फ ये है सीमेंट, गिट्टी, बालू का काम कराना, किसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इनके बारे में कोई कानून व्यवस्था, इस पर कोई ध्यान नहीं देना, केवल केवल एक का चार चार कार्ड बनाना इनका काम है। और यही ठेकेदार तो पता है कोई भी हो, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर ठेकेदार ये है कि ठेकेदार में मानता हूँ राजेंद्र शुक्ला को, राजेंद्र शुक्ला खुद स्वयं ठेकेदार है, नाम कुछ भी हो सकता है, रमेश भी कुछ भी हो सकता है। देखिए देखिए सामने, हाँ ये टूट गया देखिए टूट गया, अभी दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, देखिए अभी मेरे सामने गया, अभी ये टूटा, ये कभी भी किसी जान में टूट सकती, गिरेगा, अभी गिरा था, कल एक व्यक्ति गिरा था, तभी तो जानकारी हम लोगों ने आपको बताई है, यहाँ के लोग जो है बता रहे हैं लगातार, और मैं भी ये देखने पहुँचा था कि ये विकास पुरुष, अभी मैं 22 दिन बाद बाहर से लौटा हूँ, आज आते ही मैंने जो है देख लिया यहाँ पर, देखिए फिर से देखिए हो गया, अब यहाँ पर जो है इनका काम ही है, राजेंद्र शुक्ला लूट का पैसा कैसे बनाए इसका उदाहरण जो है ये फ्लाईओवर और पूरे समस्त के निर्माण का, बिल्कुल बड़ी घटना घट सकती है। और ये घटने के बाद जो है फिर कहा जाएगा इनके कार्यकाल में बड़े बड़े डैम बह गए, बड़े बड़े पुलिया खत्म हो गए, उसका उदाहरण ये भी है कि रीवा के अंदर में काम हो रहा है। कहाँ पे खड़े हैं हम लोग? हम रोड में, रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज गड्ढा हो गया, अभी बाकी 6 महीने क्या कहेंगे इसके निर्माण को? ये निर्माण ठेकेदारी गद्दारी किया है, गद्दारी किया ना, हाँ ढंग से नहीं बनाया है इसको, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी राड निकल आया है, क्या मानते घर में अपन काम करवाते, कितने दिन चलता है, कितने दिन चलेगा ये? नहीं चले तो अभी 6 महीना नहीं हुआ, खत्म हुआ, ठेकेदार की गद्दारी के कारण है। हाँ सब ठेकेदार की गद्दारी के कारण है, खतरा भी है जान को, जान के खतरा है इसमें, एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ कभी हो सकता है एक्सीडेंट। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं गाँव भोलगढ़, हाँ यहीं से निकलते हैं। मेरा नाम मायने रोहित राजीव साकेत है। कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहा हूँ। कौन सा ब्रिज है ये? ये ब्रिज है ये रेलवे मोड़ का, सामने ये गड्ढा है, देख रहे कैसे गिर रहे हैं लोग, निर्माण हुआ अच्छा कि खराब, ये तो अब हम क्या बताएं, हम तो नहीं जानते, ये तो सरकार का, सरकार से मतलब ख्वाहिश करनी चाहिए। अभी कितने महीने पहले बनाइए? ये तो 2 सालों से बन रहा है, ये अभी कम्प्लीट हो गया है 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? हाँ निकली है सामने, आप भी घर में रहते हो, घर देखे होंगे, ऐसे ही रहता है
महीने तार निकाला है और जानवरों की जान। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग आप क्या बताएं, हम तो किसकी लापरवाही मानते, भ्रष्टाचार कौन कर लिया करने तो हाँ मनाने वाला है, क्या बताएं हम उसके बारे में, ज़्यादा नहीं बोल सकते उसी के बारे में, हमारे हमारे ऊपर भी प्रेशर आ सकता है बोलने से। हाँ कि मतलब हमारे खिलाफ कोई नेता है, मतलब नेता है यहाँ की वो कर रहे हैं। हाँ ये तो हमको नहीं मालूम है।